हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आई होप सब भी बहुत अच्छे होंगे। और आज का मेरा दिन का स्टार्ट हुआ है बहुत सारा कपड़ा धो करके, क्योंकि कल मैं आई थी मायके से, करीब 10:30 बज गई थी आते आते, तो फिर मैं कोई कपड़ा वगैरह नहीं धोई उसके दूसरे दिन। और उस दिन बृहस्पतिवार भी था, और तब जाके मैं आज उसके दूसरे दिन मैंने आप सबसे बताया कि मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया। और आज इस बात को 4 दिन हो गए हैं, तो इसीलिए कुछ कपड़े तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था धोने के लिए। मैं वहाँ से आई और फिर मम्मी, मेरे सासू माँ बोले जितना भी मतलब रूम का भी है, बिस्तर वगैरह वो सारा चीज़, क्योंकि मैं धोई धोने के लिए तो एक दिन ही इतना सारा कपड़ा हो गया है धोने को। और फिर कुछ जैसे है ना, 4 दिन हो गए हैं, तो जैसे मैं ना मतलब पोती हुई, तो हम लोगों को उतना जैसे है ना कि वो गोतिया जो होता है ना, वो लोग ज़्यादा दिन मानते हैं, जैसे 13वीं, जब तक 13वीं ख़त्म नहीं होती ना तब तक मानते हैं। लेकिन हम लोगों का है ना मतलब 3 से 4 दिन ही, 3 दिन मानने का होता है, तो 3 दिन बृहस्पतिवार को ही हो गया था। लेकिन बृहस्पतिवार को जैसे है ना नाखून वगैरह नहीं काटते हैं, तो उसके दूसरे दिन में मतलब काटी। आज है शुक्रवार, इतना सारा आप सबसे मैं दिखाई, बहुत कपड़ा हो गया था। सुबह से काम में ही लगी हुई थी और कपड़ा धोते धोते तो करीब मुझे 2 घंटा कपड़ा धोने में लग गया होगा। और पता है कि मैं सारा कपड़ा हाथ से धोती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन नहीं है हमारे घर, तो इसीलिए सारा कपड़ा हाथ से धोती हूँ। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे, इतना सारा काम करके मैं थक भी गई हूँ और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया है। और अभी मुझे नीचे जाना है, नीचे में नाश्ता भी पता नहीं क्या बनाएंगे क्योंकि लेट हो गया है। कोशिश करेंगे कुछ हल्का फल्का ही बनाने का। और फिर ना कुछ जैसे है ना 3 दिन के बाद नाखून वगैरह कटाना होता है, तो वही ठाकुर आए हुए थे तो मम्मी उनको बुलाई थी, और जो रीत है सदियों से चली आ रही है तो फिर उसे निभाना ही पड़ेगा। और मैं दादाजी को कंधा भी दी थी, इसीलिए मम्मी बोली कंधा दिए हैं तो जो है तो फिर जाके करना पड़ेगा। और उसके बाद पता नहीं ये क्यों होता है, लेकिन जो चली आ रही है रीत सदियों से, तो इसे तो निभाना पड़ेगा। और फिर हाथ में चूड़ी वगैरह जितना था ना, वो सारा मतलब मम्मी जो है ना फेंकवा दी थी, बोले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं पूजा पाठ सारा चीज़ करती हूँ ना, तो वो अशुद्ध मानी जाती है। तो फिर मैं वो सारा निकाल के दूसरा चूड़ी में पहनी, और चूड़ी पहन रही थी ना तो इतना हाथ कड़ा हो गया था, क्योंकि सुबह से पानी वाला ही काम कर रही थी, हाथ बहुत टाइट हो गया था। तो मेरी चूड़ी जो है ना बहुत, 3-4 चूड़ी तो बाहर भी गए थे। और फिर डायरेक्ट मैं किचन में आई, इधर पानी गर्म करने के लिए चढ़ाई हूँ, तो जाके यहाँ पे हस्बैंड जी नहाएंगे, क्योंकि इनका थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, इसी वजह से गर्म पानी से नहाएंगे। और दूसरी साइड ना मैं इधर बना लेती हूँ, तो ये पास्ता लेके आए थे, तो मैं सोची चलो हल्का फल्का मैं पास्ता ही बना देते हैं, जल्दी बन भी जाता है और फटाफट से सब लोग नाश्ता भी कर लेंगे। अगर मैं जैसे रोटी सब्जी वगैरह बनाती ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता, क्योंकि नाश्ता का टाइम से भी ज़्यादा टाइम हो गया था इसीलिए। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा मटर वगैरह डाल दी, क्योंकि अभी ये सब का सीज़न है ना, तो पास्ता में डालने के बाद अच्छा ही लगता है। गाजर थी, गाजर भी मैं थोड़ा छोटा छोटा पीस में काट कर डाल दी हूँ, और फिर पास्ता में पहले ही उबाल के रखी थी। और यहाँ पर बस हो ही गया है, पास्ता बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। थोड़ा देर में इसको चलाई और इसके ऊपर से ना पास्ता मसाला डाल दी, पास्ता हो गया है रेडी। और काफ़ी ज़्यादा मेरा सांस भी फूल रहा है पता नहीं क्यों। और फिर यहाँ पे नाश्ता सबको करा दी थी, और मैं उस दिन पापड़ बनाई थी आलू के, तो वही ना सूख गई थी, तो फिर मैं उसे छान रही थी, क्योंकि उसके बाद से तो फिर ऐसा कुछ हुआ जो कि मैं यहाँ थी ही नहीं, और मम्मी ही पापड़ वगैरह सूखा के रख दी थी, तो ये बोले कि छानो देखते कैसा लगता है खाने में। बहुत टेस्टी ही लगा था, क्योंकि ये मसाला वाला पापड़ में बनाई थी और बहुत जल्दी से छन जा रहा था, और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगा। यहाँ पे ना मैं ऐसे ही तब तक छान दी थी, और फिर उसके बाद अभी मैं दोपहर का खाना भी बनाऊँगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मतलब किचन में ही सारा दिन बीत जाता है। एक तो आज मन कर रहा था कि मैं ना थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, लेकिन रेस्ट करने का टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। कपड़ा धो धो के ही मेरा बुरा हाल हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि कपड़ा तो मैं धोती रहती हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा कपड़ा हो गया था। और फिर यहाँ पे मैं किचन में आई और फटाफट से हम खाना बनाएंगे दोपहर के लिए,
तो आज ना मैं पालक वाली दाल बना रही हूँ और पालक की साग भी बनाऊंगी। पालक का दाल मुझे पसंद आता है और फिर मम्मी भी बोली पालक का दाल बना लेने के लिए। तो एक साइड ना मैं पालक की दाल चढ़ा दी हूँ चने दाल के साथ और दूसरी साइड मैं सब्जी छौंक देती हूँ। सब्जी होने में करीब 15-20 मिनट तो लगेगी। तो ऐसे ही मैं घूम घूम करके जब मतलब सब्जी छौंक करके और मैं थोड़ा सा लेट गई थी और फिर उसके बाद ऐसे ही जब मैं खाना चढ़ाती हूँ ना जो चीज़ में ज़्यादा टाइम लगता है तब तक मैं थोड़ा सा लेट जाती हूँ और अंदाज रहता है कि अब इस टाइम तक ना ये काम हो चुका होगा। तो फिर आ जाती हूँ फिर करने के लिए। और फिर यहाँ पे जो है ना दाल बन गया था तो मैं चावल चढ़ा दी और एक साइड मेरा सब्जी। अभी टाइम सब्जी में थोड़ा टाइम है क्योंकि बंधा गोभी का सब्जी सींचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ सब्जी हो गई और अब ना मैं साग छौंक देती हूँ। साग भी हो जाएगी, सब सारा चीज़ बन गया है, बस दाल में छौंक लगाने के लिए बाकी है। तो बस दाल में भी छौंक लगा दी और सब्जी इधर साग सब्जी सारा चीज़ रेडी हो चुका है। बस थोड़ा देर में मैं खाना भी निकाल दूँगी और सारे खाना निकालने के बाद बर्तन वगैरह भी धोना है और फिर छत से बहुत सारा जो कपड़ा मैं धोई थी उसे भी लाना भी है और रूम में बेडशीट वगैरह भी बिछाना है। मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ अभी। तो सबसे पहले खाना खिला दी सबको और छत पे इस बीच में मैं गई थी क्योंकि जो कपड़े सूखे नहीं थे ना उसे थोड़े पलट दी ताकि वो अच्छे से दोनों साइड से सूख जाए। जब छत से नीचे आई तब तक सब लोग खा पी लिए थे, मैं भी थोड़ा खाई। खाने के बाद जो बर्तन था ना नीचे का सारा काम ख़त्म करके ही मैं छत पर आई थी। नीचे का गैस वगैरह सफाई झाड़ू बर्तन जो भी था वो करने के बाद मैं आई हूँ छत पर। और अभी ना जो कपड़े सूख गए थे उसको तब तक ना मैं इसमें रख दी थी जो प्लास्टिक के डलिया सा होता है ना उसी में बड़ा सा है तो उसी में जो सूख गए थे तो उसको मैं रख दी थी। और अभी तक भी कुछ कुछ कपड़े जो स्वेटर वगैरह था ना मोटा मोटा स्वेटर तो वो सब अभी थोड़ा टाइम है सूखने में। लेकिन जो कपड़ा अभी सूख चुका था ना वो कपड़ा मैं सारा नीचे लेके जाऊंगी, उसको अपने जगह पे रखूंगी और बेडशीट को भी सेट करूंगी। तो बहुत कभी कभी ना काम तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो वो दिन को भी उस मोमेंट को भी एकदम संभालना पड़ता है। और यहाँ पे आराध्या देखिए कैसे नाच रही है। आराध्या आज आंगनबाड़ी नहीं गई क्योंकि आराध्या भी 2-3 दिन से रेगुलर नहा रही थी ना तो उसका भी तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया था। मतलब नाक से सर्दी वगैरह पूरा हो गया है, सर्दी खांसी जुखाम। तो फिर मैं ही मना कर दी। आराध्या तो कह रही थी मम्मा आंगनबाड़ी जाएंगे क्योंकि बच्चे लोग के साथ में ना बच्चे को खेलने में बहुत मज़ा आता है तो इसीलिए मैं ही मना कर दी कि आज नहीं जाएगी, आज घर में रहेगी पूरा दिन ये। और फिर यहाँ पर मैं सारा कपड़ा छत पर लेके आई। आप देख सकते हैं बेड शीट का पूरा जितना भी है ना वो सारा मैं निकाल दी थी बेड का कपड़ा। और अभी जो पहले बेड शीट बिछाई थी ना वो वाला रख दूंगी और दूसरा बेड शीट इसमें वाइट वाला बिछाऊंगी। तो सबसे पहले ये सारा कपड़ा मुझे फोल्ड करना है। आज मेरी कमर की मैं क्या हालत बताऊं, इतना ज़्यादा दर्द दे रहा था। लेकिन ना मैं अभी ठान ली थी जब तक ये काम ख़त्म नहीं होगा ना तो फिर मैं आराम भी नहीं करूँगी। अगर फिर लेट जाऊँगी ना तो फिर आलस टाइप लगने लगता है, इसीलिए मैं सोची पहले ये काम जो है ना निपटा लेती हूँ तब जाके थोड़ा चैन भी आएगा। रूम का पर्दा वगैरह सारा चीज़ ही धो दी थी तो अब कुछ कपड़ा मैं समेट ली हूँ, तब तक ये पर्दे में लगा देती हूँ। और यहाँ राधिया देखिए अपने मन से ये पढ़ने के लिए बैठी है। पढ़ती कम है, जब तक मैं इसे नहीं बैठा के पढ़ाऊँ ना पढ़ती कम है, बुक जो है ना बुक ज़्यादा फाड़ती है। तो बुक का तो ये चटनी बना दी है फाड़ फाड़ के, इतना परेशान करती है। और अभी का मेरा मिशन पता यही था कि फटाफट से ये सारे काम करूं और रेस्ट करूं। मैं भी थोड़ा अंदर से बीमार पड़ गई हूं और टेंशन भी काफ़ी ज़्यादा मैं ले रही हूं इधर से कुछ कुछ बातों की इसी वजह से। तो बस कपड़ा तो मेरा फोल्ड हो गया था और उसके बाद जो मैं कवर वगैरह धोई थी ना तो वो सब तकिया का कवर वगैरह मैं लगा लेती हूँ। फिर मैं बेडशीट भी बिछा दूँगी। बेडशीट बिछाने के बाद कम्बल का खोल वगैरह भी धोई थी। पता है सबसे ना हार्ड मुझे कम्बल के खोल लगाने में लगता है, इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है ना समझ नहीं आता है, इतना लेट लग जाता है मेरे से। फिर उसके बाद अभी कम्बल का खोल बहुत मुश्किल के बाद लग चुका है और यहाँ पे शाम भी हो गया था सारा काम निपटाते निपटाते। और ये भी घर आ चुके थे
तो अब मैं लेटूंगी क्या, अब जाऊंगी मैं चाय बनाने के लिए। चाय बनाने के बाद कुछ थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता सबको खिलाऊंगी। नाश्ता कराने के बाद होगा तो मैं थोड़ा लेटूंगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द।